हेलो गाइस, इट्स माय डे टू। नए घर पे शिफ्ट हुए हुए, तो जैसे मेरे को नोएडा बुलाया तो मैं भाभी और भैया के साथ आया। अब मैं यहाँ पर को दोस्तों के साथ आया हूँ फ्लैट पे। पर यहाँ है क्या कि जिस दिन मैं आया उस दिन दोस्तों को जाना था, तो मैं पहली रात से अकेला हूँ, तो मैं अपना खाना भी खुद बना रहा हूँ। और कल तो पूरा दिन ब्रेड और आलू भी निकाल दिया, पर आज प्रॉपर खाना बनाएंगे। दिन का खाना ऑफिस पर हो जाता है, तो जो अभी बनेगा वही रात को खाया जाएगा। तो पहले तो रात के बर्तन धोने के लिए उनको धोया जाएगा, सब्जी बनाई जाएगी, फिर पूजा करी जाएगी, फिर खाना खाएंगे। और कमरा तो मैं साफ कर चुका हूँ उठने के बाद, बस तो लगता है। चलिए बनाते हैं दो आलू और दो प्याज की सब्जी, लस वाली। और सच में गाइस, जब तुम बाहर आओगे तब तुम्हें घर वालों की असली वैल्यू पता चलेगी। घर पे जितना मम्मी पापा से हम लड़ते हैं, किसी से भी हम लड़ते हैं, उनकी वैल्यू तब समझ में आती है जब हम बाहर आते हैं। तो जो भी लड़ रहा है ना, लड़ना बंद करो और जब तक घर पे मजा करो। जिस दिन बाहर आओगे भाई, तुम लोग भी हमारे जैसे खाना बनाओगे और वेट करोगे किस दिन तुम घर वापस जाओगे, जैसे हम करते हैं। मेन दिक्कत खाना बनाने पे नहीं आ रही, मेन दिक्कत काम करने पे नहीं आ रही है, मेन दिक्कत जो आ रही है अकेले रहने पे दिक्कत आ रही है। अपने घर पे तो अकेले रहा हूँ, पर किसी अलग घर पे पहले दिन से अकेले, वो जरा अलग था एक्सपीरियंस, अलग था। खैर, नेक्स्ट वेडनेसडे से तो और दोस्त भी आ जाएंगे, मिलाएंगे उनसे भी, काफ़ी अच्छे बंदे हैं। उन्होंने यहाँ पर कुछ सब रख रखा है, जिस चक्कर में मेरे को तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। सब्जी भी बन गई हमारी। मेरी आखिरी रोटी भी चढ़ गई है, इसके बाद अब सब्जी भी बन गई, तो चाय बनाते हैं, फिर ऑफिस का समय हो जाएगा, फिर ऑफिस का काम करने स्टार्ट करेंगे। फाइनली आवर फूड इज रेडी, लास्ट काम बचा है खाने का, बाकी सारे काम हो गए। चाहे कोई कुछ कहे, अपने बनाए हुए खाने का मज़ा ही अलग है। जिस खाने को बनाने में एक घंटा लगा आपका, फिर आप उसको खाओ तो स्वाद तो आना ही बढ़िया बन रही। चाय भी देखते हैं, बढ़िया।